जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने काफी ज्यादा ख्याति 2022 में बटोरी थी, क्योंकि जब इसको लेकर के रिपोर्ट सामने आई थी तो जो उत्सुकता थी वो काफी चरम पर थी। लेकिन अब फाइनली इस मिसाइल की जो पहली पिक्चर्स हैं वो सामने आ गई हैं। अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि हम किस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रैम्पेज के बारे में। दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर ये कहा गया था कि रैम्पेज मिसाइल के टेस्टिंग के लिए गोवा में एक टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाया जा रहा है, जहां पर इन मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसे हम इसराइल से खरीद रहे हैं। वहीं 30 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर कहा जाता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात की नौसेना का 3 सदस्यीय दल भारत के दौरे पर है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कर्नल डॉक्टर अली सैफ अली मेहराजी, और ये आईएनएस हंसा के दौरे पर होते हैं, जहां पर ये भारतीय नौसेना के मेट्रोलॉजिकल और ओसिनोलॉजिकल फैसिलिटीज का दौरा करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में यूनाइटेड अरब अमीरात भारत के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहता है। लेकिन अपने इसी दौरे के दौरान ये जो डेलीगेशन होता है ये एक नेवल फ्लाइंग टेस्ट स्क्वाड्रन का भी दौरा करता है। इसके अलावा ALH मार्क 3 की जो स्क्वाड्रन है उसका भी ये दौरा करता है। और इसी दौरान गोवा से जो रैम्पेज मिसाइल है इसकी पहली तस्वीरें सामने आती हैं। जी हाँ, जब ये विजिट हुई थी तो उसी दौरान ये फोटोज कैप्चर करी गई थी, जहां पर आपके स्क्रीन में आप ये देख सकते हैं कि जो मिसाइल इस समय आपको दिखाई पड़ रही है ये कोई और मिसाइल नहीं बल्कि वही रैम्पेज मिसाइल है जिसको हम इसराइल से खरीद रहे हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे रैम्पेज मिसाइल के बारे में कि ये हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, कैसे न सिर्फ भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म्स में इनको इंडक्ट किया जा रहा है बल्कि भारतीय वायुसेना भी बड़ी संख्या में रैम्पेज मिसाइल को खरीदने वाली है। हम ये भी जानेंगे कि भारतीय वायुसेना का वो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा पहले जिसमें ये मिसाइल इंटीग्रेट करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। रैम्पेज मिसाइल की बात करें तो मुख्य तौर पर इस पर जो इंटरेस्ट प्रदर्शित किया था वो भारतीय नौसेना ने किया था, जो कि अपने MiG-29 के फाइटर जेट से इन मिसाइल को यूज करना चाहती थी। और दिसंबर 2022 में एक और नई रिपोर्ट सामने आती है जहां पर ये कहा जाता है कि भारतीय नौसेना सिर्फ MiG-29 फाइटर जेट्स में ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना भी अपने Sukhoi-30M के आई जेट में इनका इस्तेमाल करेगी, और बाकायदा जो प्रोसेस है इंटीग्रेट करने का इन मिसाइल्स को Sukhoi-30M के आई में वो शुरू हो चुका है। ये मिसाइल अपने कैटेगरी की सबसे घातक मिसाइल्स में आती हैं और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी है। शायद यही कारण है कि इस समय भारत की जो आर्म फोर्सेज हैं वो बड़ी संख्या में इन मिसाइल्स को इस्तेमाल करना चाहती हैं। अगर इस मिसाइल के हम पहले प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो अप्रैल 2019 में पहली बार इसराइल के एयरफोर्स के द्वारा रैम्पेज का एक टेस्ट किया गया था। हम टेस्ट इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये एक प्रॉपर एक स्ट्राइक थी जो कि कॉम्बैट में इसको यूज किया गया था पहली बार, और इसे F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट की सहायता से लॉन्च किया गया था। और इस मिसाइल ने एक रॉकेट प्रोडक्शन और स्टोरेज फैसिलिटी को अपना निशाना बनाया था जो कि मेसिव सीरिया में स्थित थी। दरअसल ये जो स्ट्राइक हुई थी ये एक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की फैक्ट्री पर हुई थी जो कि S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड थी। तो अब आप इस मिसाइल की कैपेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी फैसिलिटी जिसको S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको भी रैम्पेज ने अपना टारगेट बनाया, और वहीं से इसको जो ख्याति है वो मिलनी शुरू हुई। और इसकी यही कैपेबिलिटी है जो भारत को भी काफी अट्रैक्ट कर रही थी, और अब जो रैम्पेज है वो ऑलरेडी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुकी है। रैम्पेज की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज की एयर टू ग्राउंड सीकरलेस प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है, और इसे मुख्य तौर पर इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये जो वेल प्रोटेक्टेड टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके, जिसमें कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर आते हैं, एयरफोर्स बेसिस आते हैं, मेंटेनेंस सेंटर आते हैं, या दूसरे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं किसी भी शत्रु सेना के उसको ये टारगेट कर सकती है। इसको लेकर के तो ये भी कहा जाता है कि एक बार इस मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो ये एनिमी टारगेट को ध्वस्त करके ही आती है, इसको जैम नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। अगर हम आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो मुख्य तौर पर इसे फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ऑटोनोमसली टारगेट पर जाकर के हिट करती है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है जो कि अच्छी सर्वाइबिलिटी और सुपरसोनिक स्पीड के साथ में आती है। हालांकि स्पीड को लेकर के यहाँ पर मिक्स्ड ओपिनियन है, कुछ रिपोर्ट्स में इसे एक सबसोनिक वेपन के तौर पर देखा जाता है तो कुछ रिपोर्ट्स इसे सुपरसोनिक वेपन के तौर पर क्लेम करती हैं।
खैर अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये काफ़ी फोकल प्रिसीजन के साथ में आती है जो कि कोलेट्रल डैमेज को काफ़ी या कोलेट्रल डैमेज के जो चांसेस हैं उनको काफ़ी कम करती है। वहीं इसकी जो कॉस्ट है ये दूसरे मौजूदा हथियारों की तुलना में काफ़ी कम है, यानी कि एक बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट भी किया जा सकता है। इस सिस्टम को या तो स्टैंड अलोन सिस्टम के तौर पर ऑपरेट किया जा सकता है या फिर एवियोनिक सिस्टम की सहायता से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। रैम्पेज मिसाइल में जो वीडियो ट्रांसमिशन है वो भी सपोर्ट होता है जो कि इसके RS-170 इंटरफेस पे होता है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस मिसाइल को किसी भी प्रकार के वेदर कंडीशन में, चाहे दिन हो या रात हो या कितना भी खराब मौसम हो, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी इफेक्टिवनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। रैम्पेज मिसाइल एक एक्सेप्शनल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करती है जिसके बाद जो इसको ऑपरेट करने वाली वायुसेना है उन्हें ये चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि टारगेट कैसा है। अगर हम इस मिसाइल की लेंथ की बात करें तो वो 4.7 मीटर की है, वहीं इसका जो डायामीटर है वो 306 मिलीमीटर का है। इस मिसाइल के वजन की बात करें तो वो 580 किलोग्राम का है और इसको पावर करने के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। गाइडेंस की बात करें तो इसमें GPS INS गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ में भी है। अगर हम इसके CEP की बात करें तो इस मिसाइल का जो CEP है वो 10 मीटर का है और ये अपने साथ जनरल पर्पस या फिर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन वॉरहेड को कैरी कर सकती है। ये जो मिसाइल है ये एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड Mach 0.7 से 0.95 की है, जबकि इसकी जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है वो Mach 1 से लेकर के 1.6 की है। अगर हम इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो वो 250 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को देख करके आप ये समझ चुके होंगे कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना इनको लेकर के इतनी ज़्यादा उत्साहित क्यों है। खैर रैम्पेज तो एक इजरायली मिसाइल है, लेकिन इस समय रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत में भी इस प्रकार के जो सिस्टम्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है जो कि हमारी आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। और बाकायदा इस समय कुछ ऐसे भी वेपन सिस्टम हैं जो कि हमें 2024 में देखने को मिलेंगे जो कि जो एक कैपेबिलिटी गैप है बीच में उसको फिल करने में सक्षम होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने जो आया है वो है BrahMos-NG का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।